बाप और बेटी का जो रिश्ता है इसको खूनी रिश्ता कहते हैं, और इसे कुरान और हदीस की ज़बान में रहमी रिश्ता कहते हैं, रहमी। और कुरान और हदीस में जहाँ जहाँ भी ये हुक्म आया है कि सिला रहमी करो, सिला रहमी, तो उससे मुराद वो रिश्ते हैं जो खून से बनते हैं। रिश्ते तो और भी बहुत सारे हैं ना, जैसे मियाँ बीवी का रिश्ता है, ससुराली रिश्ता है, ये भी रिश्तेदारी है, लेकिन ये खूनी रिश्ता नहीं है। उन रिश्तों के भी अपनी जगह पर अहमियत है, उनके भी हकूक हैं, सब कुछ है, लेकिन ये जो रिश्ता होता है खून का, ये बड़ा अहम रिश्ता होता है। तो बाप बेटी का रिश्ता ऐसा है, खून का रिश्ता है, ये रिश्ता कभी टूट नहीं सकता और ना इसे तोड़ा जा सकता है और ना इसके तोड़ने की कोई शक्ल है। बल्कि यहाँ तक हुक्म है कि अगर सामने से कोई तोड़ रहा हो तो दूसरी की जिम्मेदारी ये बनती है कि उसे जोड़ने की कोशिश करे, ना कि तोड़ने की कोशिश करे। जबकि दूसरे जो रिश्ते हैं वहाँ ऐसी कोई ताकीद नहीं है, वहाँ तो तोड़ने का कोई ना कोई जायज़ रास्ता मौजूद है। जैसे मियाँ बीवी का रिश्ता है, इस रिश्ते को तोड़ने का एक जायज़ रास्ता मौजूद है, तलाक या खुला, यानी वो कोई जुर्म नहीं होगा, कोई पाप नहीं होगा। अगर आपके पास कोई माकूल वजह है उसको लेकर ये रिश्ता तोड़ा जा सकता है। लेकिन बाप और बेटी का रिश्ता ऐसा है कि वहाँ कोई रास्ता नहीं है। बाप बेटी में कुछ भी अनबन हो जाए, कुछ भी झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये रिश्ता नहीं तोड़ा जा सकता है, समझ रहे? कोई बाप ये फरमान नहीं सादिर कर सकता कि आज के बाद से मैं तुझको अपनी औलाद से बाहर करता हूं, ऐसा नहीं बोल सकता बाप, ना वो कर सकता है बाहर। तो ये सबसे पहले ज़हन में रखें कि ये खून का रिश्ता है, अटूट रिश्ता है, परमानेंट रिश्ता है, ये रिश्ता टूट नहीं सकता, ना इसको तोड़ा जा सकता है और ना इसके तोड़ने का कोई सही रास्ता, जायज़ रास्ता मौजूद है। बल्कि अगर दोनों में से, दो फरीक में से कोई एक तोड़ने की कोशिश करे तो दूसरे को ये हुक्म दिया गया है कि तुम उसका साथ मत दो, तुम उस रिश्ते को जोड़ने की कोशिश करो।